हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है राजघाट पर। यहाँ पर प्रियंका गांधी 3 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर सत्याग्रह करने वाली है। बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। ओवरऑल सर क्या कहेंगे, सर विजेंद्र यादव सर क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का माहौल आपके सामने है, चारों तरफ आगजनी है, भयावह स्थिति है, देश जल रहा है और देश का राजा मजे कर रहा है। आपने राजा कहा, राजा कहीं झूठ बोलता है क्या? राजा ने कभी सच बोला नहीं, पिछले 6 वर्ष के शासन काल में उसने एक सच बोला। बताइए, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, 15 लाख रुपए देने की बात कहा दिया, किसान के की लागत का 2 गुना मूल्य देने की बात की थी, क्या हुआ? अच्छा, ये तो कल मोदी जी बोल रहे थे कि डिटेंशन कैंप कुछ है नहीं, ऐसा एनआरसी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तब जबकि अमित शाह ने जिक्र किया है पार्लियामेंट में। मोदी कुछ कहता, मोदी का पिट्टू अमित शाह कुछ कहता, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की साजिशों में लगे हुए हैं। जिस बुनियाद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के साथ बांधा, जिस बुनियाद को सरदार पटेल, जिस बुनियाद को मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिस बुनियाद को महात्मा गांधी, जिस बुनियाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस बुनियाद को न जाने कितने सूरवीर क्रांतिवीरों ने एक नींव को रखा, उस नींव को गॉडसे और सावरकर की संतानें उस संस्कार के लोग ध्वस्त करने पर तुले हैं। ये CAA कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये काला कानून है, ये गरीब विरोधी कानून है, ये हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के गरीब के विरोधी है। इन्होंने फिर से ऐसा षड्यंत्र रचा, जिस तरह से नोटबंदी में लाइन लगाकर लोगों को मराने का काम, मरने पर मजबूर होने के लिए किया गया, ये यही काम है जो पैसे वाले, जो धन कुबेर, जो सक्षम लोग हैं वो इस कानून में अपने पार पा जाएंगे, लेकिन लाइन में लग के फिर गरीब मरेगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी मजहब का है, किसी धर्म का है। मंत्री साहब, आप खुद मंत्री रह चुके हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप खुद मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा वक्त सरकार की जो आप देख रहे हैं गतिविधि, खासतौर पर यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदला लेंगे, क्या सरकार की मुख्यमंत्री की ऐसी बातें शोभा देती है? देखिए, ये बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर, और ये चाहते हैं इस देश के संविधान को, और जो लोकतंत्र के नाम से पूरे विश्व में भारत जाना जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को बिल्कुल बदलना चाहते हैं, और मोदी इस देश की जनता को सिवा झूठ के और कुछ नहीं परोस रहा है। जितना झूठ बोल सकता है सुबह शाम तक, जो मोदी बोलते हैं वो, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करना है उसे कहते नहीं। सही बात कह रहे हैं आप, तो अब इनसे भी आज बात करते हैं, हमारे साथ जो MLA जो है चुनाव लड़े हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस चुनाव का होता है तो होता ही है, लेकिन अभी आप यहाँ मौजूद हैं, प्रियंका जी यहाँ पर 3 बजे से 8 बजे तक सत्याग्रह करने वाली हैं। गांधी के देश में हिंसा, जो खास तौर पर पुलिस भी गोली चला रही है, पुलिस लगातार बयान बदल रही है कि मैंने गोली नहीं चला रहा। आप मोदी जी पुलिस के बारे में खूब तारीफ कल किए थे, लेकिन पुलिस जिस तरह से वो गलत करती उस पर कुछ नहीं बोले, उसके क्या? देखिए, जैसा सरदार वैसा प्रशासन। सरदार इस देश का झूठा है, प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं। कल रामलीला मैदान में भी एक उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला कि NRC पर कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसकी एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है। अमित शाह खुद वो मीटिंग करके बोलते हैं कि NRC पूरे देश में लागू किया जाएगा, बंगाल सहित पूरे राज्य, पूरे देश में लागू किया जाएगा। और NRC जो है, NRC CAA जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह पर प्रियंका जी के साथ बैठे हैं, वो देश के लिए काला कानून है, वो एक धर्म संप्रदाय के लिए बनाया गया विशेष कानून है, और BJP हमेशा संप्रदाय की राजनीति करती है, इस देश को तोड़ने की राजनीति करती है। आज हम देश के पूरा नौजवान, एक एक समाज का व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल है, इस सत्याग्रह में शामिल। आप बताएं, आप खुद पोस्टर रखे हैं दिल्ली पुलिस और बहुत सारी पुलिस, जो कि ओवरऑल जो कि UP में हो या दिल्ली में पुलिस का बर्बरियत है, और आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे स्पेशली जो सरकारें इस तरह से कर रही है, जो स्टूडेंट्स जो कि कभी हिंसात्मक नहीं होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जामिया बिरादरी को, क्योंकि मैं भी जामिया का तालिबे इल्म रहा हूँ, मैंने वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं अमरोहा का लोकसभा अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। हम लोग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही इस बिल का विरोध स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जामिया के लोगों को, जामिया के स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने इस मूवमेंट को पूरा भारत का मूवमेंट बना दिया।
जामिया की मिलिया की जो स्थापना की गई थी गांधी जी द्वारा और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और लोगों दिगर लोगों के द्वारा खिलाफत आंदोलन के समय जामिया ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था और उसी को लेकर अब जामिया ने इस NRC और CAA के मुद्दे पर विरोध करके पूरे देश को दिशा निशान दिखाने का काम किया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से, NSUI की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मैं जामिया के लोगों को तो खुद अब एलमनाई भी हो गया जामिया, तब सारे वीडियो आपने देखा तो क्या उस वक्त सोचे कि हमारे जामिया को क्या हो गया? देखिए जी, पहली जब जब देश का सवाल हुआ है जामिया ने हमेशा आवाज़ उठाई है और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। स्टूडेंट कम्युनिटी में जिस तरीके से जामिया पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, हर बिल्कुल हॉस्टल में घुस के मारा उन्होंने, लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारा, उसकी हम सब लोग भर्त्सना करते हैं। बिना VC की परमिशन के घुस के मारा है, कैसे बिना VC की परमिशन से आप यूनिवर्सिटी में घुस सकते हैं, स्टूडेंट में कैसे चढ़ सकते हैं? और जो घुस गए कैंपस में, दिल्ली पुलिस ने किसकी इजाज़त ली? जो जाके कैंपस में छात्र और छात्राओं के साथ जो मारपीट करी है उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान से देश चलेगा। तो जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको दिखा रहा हूँ जामिया वर्ल्ड पर जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है हिंदुस्तान में, इस वक्त एक पूरा सेंटर पॉइंट बना है जामिया मिल्लत इस्लामिया, जो एहतजाज चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच जो कि प्रियंका गांधी यहाँ पर सत्याग्रह कर रही हैं 3 बजे से 8 बजे तक की, बहुत बड़ा सिम्बॉलिक ये कदम है। बहरहाल आप देखते हैं जामिया वर्ल्ड में, मोहम्मद तस्लीम।